Guys, welcome back to my channel. So happy new year to all of you guys, first of all. और मैं और आपसे क्या कहूँ, बहुत टाइम से ही वीडियो नहीं आई है, बट आज का ब्लॉग पता नहीं क्या क्या होने वाला है इसमें, आज का और शायद से कल का भी हो सकता है साथ में मिक्सअप में. सो चलो देखते हैं हम आज, या फिर अभी तो शाम हो गई है, आज कोई फायदा नहीं है, शाम हो चुकी है एंड अभी देखते हैं हम क्या करते हैं. Guys, welcome back to my channel. So happy new year to all of you guys, first of all. और मैं और आपसे क्या कहूँ, बहुत टाइम से ही वीडियो नहीं आई है, बट आज का ब्लॉग पता नहीं क्या क्या होने वाला है इसमें, आज का और शायद से कल का भी हो सकता है साथ में मिक्सअप में. सो चलो देखते हैं हम आज, या फिर अभी तो शाम हो गई है, आज कोई फायदा नहीं है, शाम हो चुकी है एंड अभी देखते हैं हम क्या करते हैं. देखो ये बस 24 घंटे टीवी दिखवा रहा है, स्कूल से आके भी टीवी देखती है और वीडियो बनवाने के लिए बस ये आगे रहती है और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करती है. और अभी भी आयु और पीहू देख रही है, वेट में आपको दिखा. देखो देखो इसको, हमें टीवी देखना चाहिए लेकिन इतना नहीं देखना चाहिए ना कि पूरा पूरा दिन देखे. लेकिन आप देखो ये लड़की यहाँ बैठी है, जो ये देखो इस लड़की को, ये देखो गुगे, ये देखो ये सिर्फ टीवी देखती रहती है, टीवी टीवी, पढ़ाई भी नहीं करती है बिल्कुल भी. और अब देखो पढ़ाई के नाम पे इग्नोर कर दिया है, लाइट जा रही है. चलो हम अपने दूसरा बात करते हैं. अभी मैं जाने वाली हूँ, जो कि मेरे को काम करना है, जाने के वाली हूँ मतलब, तो घर के अंदर ही रहने वाली हूँ. मैं किचन में जा रही हूँ बिकॉज अब मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, जो कि मेरा काम है. शाम वाले जो होते हैं एकदम 6-7 बजे जो होते ना, मतलब थोड़ा बहुत दोपहर के खाने के एंड शाम के, चाय हमने आज नहीं पी, वैसे पीते हैं तो वो वाले बर्तन. तो चलो वो धोने के लिए चलते हैं, मतलब मैं धोने चलती हूँ. अब जो है मैं बर्तन धो के आ चुकी हूँ, मेरे एकदम हाथ ऊपर ऊपर थे, एकदम ठंडी ठंडी लग रही है क्योंकि बहुत ही ठंड हो रही है और इसे ठंडे पानी में बर्तन धोना, मतलब अब बर्तन कम टेस्ट देखो, थोड़ी खुशी हुई क्योंकि अभी हमने चाय नहीं पी थी. लेकिन अब हम चाय पिए थे हमने, मतलब मेरे को चाय पीने का मन तो नहीं है, मम्मी को पीनी है तो बनानी पड़ेगी. तो चलो चाय बनाते हैं. लाइट बहुत आती है यार, मैंने अब चाय तो बना दी है पर अभी हमने डाली इसीलिए नहीं क्योंकि मम्मी जो अभी घर पर नहीं है, अभी बाहर गई हैं. सो हम उसे थोड़ी देर बाद डालेंगे जब मम्मी आएंगी, तो तब तक हम लोग जो हैं पढ़ाई करेंगे क्योंकि यू नो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और मेरी डेट शीट भी आ चुकी है. 2 मार्च से जो है मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और गेस व्हाट, मेरा अभी तक काम भी पूरा नहीं. क्या लगा यहाँ पर, कुछ लगा हुआ था, चलो अपनी छोड़ो उसको. सो मैं क्या कहती, 2 मार्च से मेरे पेपर हैं एंड मेरा अभी तक काम भी पूरा नहीं है. कैन यू बिलीव इट, आई गेस जो मैं बैक बेंचर्स नहीं बोल सकती बिकॉज मैं बैक बेंचर नहीं हूँ, मैं आगे बैठती हूँ. वो वाले बच्चे नहीं होते जो आगे बैठते हैं लेकिन हरकतें बैक बेंचर वाली होती है, लेकिन मैम के सामने वो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं. आई एम काइंड ऑफ दैट बिकॉज मैम के सामने मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन जो थोड़ा मैम अभी कॉपीज़ वगैरह चेक नहीं कर रही क्योंकि वोट्स आ गए थे, उसके से मैम जो लोग थे वो कामों में लगे हुए थे. फिर हमारा अभी एनुअल डे भी आया, फिर अभी 15 डेज की छुट्टी थी. बोल रही थी कि अभी जो एनुअल डे वगैरह की वजह से मेरी कॉपीज़ चेक नहीं होती, बस काम काम मैम करवाई जा रही थी, क्लासेस भी बहुत कम लग रही थी, तो इस वजह से जो है मेरा एग्ज़ाम्स का के वजह से. तो जो मैं ये बोल रही थी कि जो एग्ज़ाम की वजह से हमारा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, या जो थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं बीच में छुट्टी ले रही थी कि मैम तो आती नहीं तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो आराम से मज़े से सो जाते हैं हम. सो अब जो टीचर्स बात लगा रही है हमारी बच्चों की बेचारों की, मतलब बात तो लगा रही, जब देखेंगे तभी लगेगी ना, अभी हम कॉपीज़ वगैरह नहीं देते. और मेरे पास एडिशनल सब्जेक्ट होम साइंस भी है, सो वो भी प्रॉब्लम है, बट मैंने होम साइंस कम्प्लीट कर लिया थैंकफुली स्कूल में ही. बट मेन सब्जेक्ट अभी भी रहते हैं, जैसे कि अभी मेरा SST रहता है, हिंदी रहता है, मैथ्स रहता है. मैथ्स में बस 2 ही क्वेश्चन है, इंग्लिश, हिंदी, SST, बिकॉज साइंस, होम साइंस
और आई गेस मैथ्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, दो क्वेश्चन क्या ही माने जाएंगे, है ना। बस यही है, हम काम पूरा करेंगे अपना और फिर पढ़ याद भी करना है। अभी तो सिर्फ 8 क्लासेस, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स नेक्स्ट 9th एंड 9th इज डिजास्टर, जहाँ तक मेरे को पता चला है। हमारे टीचर ने इतना डरा दिया है हमको कि 9 में ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, और इतनी सारी चीज़ें भाई डर में है, शक्ल से नहीं दिखता, वो अलग बात है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चलो हम अपने तैयारी करते हैं, मैं आपको बुक्स निकालने के बाद बोल रही थी कि अभी जो एनुअल डे वगैरह की वजह से मेरी कॉपीज चेक नहीं हो रही थी, बस काम काम मैम करवाई जा रही थी, क्लासेस भी बहुत कम लग रही थी, तो इस वजह से जो है मेरा एग्ज़ाम्स का के लिए वजह से जो मैं बोल रही थी कि जो एग्ज़ाम की वजह से हमारा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, या जो थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं बीच बीच में छुट्टी ले रही थी कि मैम तो आती नहीं तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो आराम से मज़े से सो जाते हैं हम। सो अब जो टीचर्स बात लगा रही है हमारी बच्चों की बेचारों की, मतलब बात तो लगा रही, जब देखेंगे तभी लगेगी ना, अभी हम कॉपीज वगैरह नहीं देते, और मेरे पास एडिशनल सब्जेक्ट होम साइंस भी है, सो वो भी प्रॉब्लम है, बट मैंने होम साइंस कंप्लीट कर लिया थैंकफुली स्कूल में ही, बट मेन सब्जेक्ट अभी भी रहते हैं, जैसे कि अभी मेरा SST रहता है, हिंदी रहता है, मैथ्स रहता है। मैथ्स में बस दो ही क्वेश्चन है, इंग्लिश, हिंदी, SST, बिकॉज साइंस, होम साइंस और आई गेस मैथ्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, दो क्वेश्चन क्या ही माने जाएंगे, है ना। बस यही है, हम काम पूरा करेंगे अपना और फिर पढ़ याद भी करना है। अभी तो सिर्फ 8 क्लासेस, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स नेक्स्ट 9th एंड 9th इज डिजास्टर, जहाँ तक मेरे को पता चला है। हमारे टीचर ने इतना डरा दिया है हमको कि 9 में ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, और इतनी सारी चीज़ें भाई बहुत डर में है ना, शक्ल से नहीं दिखता, वो अलग बात है। छोड़ो छोड़ छोड़ो, चलो हम अपने तैयारी करते हैं, मैं आपको बुक्स निकालने के बाद। मैंने जो है अब पूरा सेट कर लिया है, ट्राईपॉड लगा दिया, फ़ोन भी सेट कर दिया, क्योंकि अब मैं पढ़ाई वगैरह निकाल के बैठ गई। तो मैं इतनी खुश क्यों हूँ पढ़ाई के लिए, आई डोंट नो, शायद से वीडियो बनाने के लिए खुश हो रही हूँ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सो मैं एक कॉपी लेकर आई हूँ ताकि मेरा पेंडिंग वर्क जो है कंप्लीट हो जाए। सो ये मेरी फ्रेंड की कॉपी, ये मेरी कॉपी, मैं आपको अपनी राइटिंग दिखाती हूँ, इसे कैमरे में तो उल्टी दिखेगी, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं लास्ट में दिखा दूंगी, अभी पता नहीं चलेगी। सो मैं आपको दिखाती हूँ मुझे कितना सारा काम कंप्लीट करना है इस वक्त पे। वैसे आप क्या ही करो, करना तो मुझे ही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिखा देते हैं, हौसला मिलेगा, हौसला। दैट इज़ ऑल रबिश आई गेस, राइट, आई गेस वॉट इट इज़। सो मुझे जो करना है, देखो स्टार्टिंग में सारा काम कलरफुल कलरफुल, लेकिन आगे चल के ये भी ऐसा ही सूना सूना, ब्लैक एंड ब्लू पेन ओनली, ओनली, व्हाट इज दिस ओनली, ओनली, नो नो नो, ओनली। सो अब हमें कहाँ से करना है भाई, मेरे को तो यही नहीं पता, कितना करा हुआ है मैंने, कितना नहीं करा हुआ वो भी देखना है। हाँ, हमें अनुच्छेद मिला था डेट 22nd of December, अनुच्छेद था हमारी संस्कृति, हमारा गर्व पर अनुच्छेद लिखना था, और वो मेरा काम अभी तक नहीं हो रखा। और उसके बाद हमें करवाया था उपसर्ग एंड प्रत्यय, उपसर्ग हो चुका है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे नोट्स भेजे थे, तो वो भी मैंने नहीं कराए। सो मुझे करना है इधर से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, व्हाट द हेल, ये तो कम काम है भाई, गलत कॉपी दिया मेरे को, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, हमें हॉलीडे होमवर्क में भी यही मिला था कि आप तुम्हें वही करना है जो कि करवाया गया है। यार आई गेस उसने गलत कॉपी दे दिया, लिटरली नो, यस गलत कॉपी है ये, जो काम कंप्लीट करना था उसकी कॉपी दोस्ती के पास रह गई। छोड़ो, हम SST का काम कंप्लीट कर लेते हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है अभी, तो को मैं निकाल रही बुक, वेट अ सेकंड, मेरी कॉपी कहीं और रखी है, मैं लेकर आती हूँ, वेट वेट, आई एम बैक, और मैं अब SST का कंप्लीट कर आ गई, जिसमें काम पूरा नहीं है। ये क्या लिखा है भाई,
ये कब लिखा? मैंने देखा ही नहीं है। मेरी कॉपी पे यहाँ पे रेड पेन चल रखा है दोनों पेजेस पे, और मुझे अभी तक पता ही नहीं है। और ये कब का है मुझे भी नहीं पता। छोड़ो छोड़ो, काम करते हैं। तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, ओके? जब मेरा काम ही कंप्लीट हो जाएगा। बीच बीच में मैं मिलती रहूँगी शायद, आई डोंट नो, बट अभी के लिए बाय बाय, ओके?